Hello students, today we have to study Lesson-4 Children Workbook. First exercise, word power. Find out the correct rhyming words for the following. जो नीचे दिया हुआ है उसके correct rhyming words आपको देखना है. Play, away, clay, sun, run, books, looks, snow, flow. An eastern is made of east, earn. Frame words using the same suffix earn, E-R-N, suffix, pratyay. इससे आपको word बनाने हैं जो नीचे दिए हुए हैं. North, northern, west, western, south, southern. Next is reading time. It's time to unseen passage. Poem का extract आपको पढ़ना है और उसका जो नीचे दिए हुए हैं question answer उनको आपको solve करना है. Faster than fairies, faster than witches. परियों से भी तेज, चुड़ैलों से भी तेज. Bridges and houses, hedges and ditches. Pull, घर, मेड, खाई. And charging along like troops in a battle. जैसे युद्ध में सैन्य दल जाते हैं उसी तरह से ये जब ट्रेन तेजी से निकलती है तो हमें जो सीन दिखता है नज़ारा और वो पीछे निकलता जाता है उसका वर्णन है. All through the meadows, the horses and cattle. रास्ते में चारागाह हैं, horses हैं, जानवर हैं. All of the sides of the hill and the plain. पहाड़ियों के नज़ारे, मैदानों के नज़ारे. Fly as thick as driving rain. इतनी तेज़ी से ट्रेन निकल रही है जैसे बारिश निकल रही है. And ever again in the wink of an eye. एक आँख दबाकर जैसे कुछ बात करते हैं बदमाशी की, उस तरह का वो सोच रहा है पोएट या बच्चे की तरफ से वो शो कर रहा है. Painted stations whistle by. Stations बहुत सुंदर सुंदर होते हुए हैं जान में जहाँ ट्रेन की सिटी की आवाज़ आती है. Here is a child who clambers and scrambles. एक बच्चा है जो चढ़ता उतरता है. All by himself and gathering brambles. All by himself मतलब खुद से पूरा, means alone. अकेले ही वो brambles को इकट्ठा करता है. Here is a cart. Run away in the road. रास्ते में उसको क्या दिखाई दे रहा है कि रास्ते में एक बैलगाड़ी है जो रास्ते में दौड़ रही है. Lumping along with man and load. उसके ऊपर गाड़ीवान बैठा हुआ है और लोड लदा हुआ है. And here is a mill and there is a river. उसको सारे नज़ारे दिख रहे हैं, मिल दिख रहा है, रिवर दिख रही है. Each a glimpse and gone forever. सब एक झलकी है और जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो फिर नज़ारा निकल जाता है, चला जाता है. Now see the question answer. What are the things and scenes moving faster than fairies and witches? Fairies and witches, परियों छोड़ैलों से भी ज़्यादा तेज क्या दिखाई देता है? Bridges, pull and houses, घर, hedges, made and ditches, खाई. ये चीज़ें, ये नज़ारे बच्चों को दिखाई देते हैं. What does a child clamber and scramble? क्या करता है? The child clambers and scrambles because he is alone gathering brambles. Next question. What is the cart carrying? ये important है, अक्सर आता है. Cart क्या ले जा रही है? The cart is carrying men and loads. What do you think? The thing gave a glimpse and disappear. क्या एक झलकी दिखती है और गायब हो जाता है? The things give a glimpse. सारी चीज़ों की एक झलक मात्र दिखती है एंड डिसअपियर और गायब हो जाती है. बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग फास्ट, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. सो दे अपियर फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो अपियर होते हैं, नज़ारे दिखाई देते हैं. वॉट इज सुटेबल टाइटल ऑफ द पोएम? पोएम का सुटेबल टाइटल द फास्ट मूविंग ट्रेन. सो दिस वॉज अ पोएम Lesson-4 Children from Workbook. Complete the sentences. When I travel by bus or train,
जब मैं बस और ट्रेन से सफ़र करता हूँ, आई प्रेफर सिटिंग क्लोज टू द विंडो, मैं विंडो के पास बैठना पसंद करता हूँ। आई थिंक सारे बच्चे, ये सभी लोग बड़े भी विंडो के पास ही बैठना पसंद करते हैं। बिकॉज आई लव टू सी, क्योंकि क्या देखना अच्छा लगता है, द नेचुरल सीनरी, बाहर जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं उनको देखना पसंद होता है, इसलिए विंडो सीट पसंद करते हैं। इफ़ द पोएट हैज़ डेजीज, अगर पोएट के पास डेजी फ्लावर्स गुलदाउदी हैं, ही विल मेक, वो क्या करेगा, अ गार्लैंड, माला बनाएगा। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, और इसको बहुत अच्छे से लर्न करिए, वन वर्ड कुछ ना कुछ तो हमेशा आते ही आते हैं एग्जाम में। अ फील्ड कवर्ड इन ग्रास, ऐसा खेत जो घास से पूरा कवर हो, मेडो, चारागाह। अ पर्सन विथ नो होम और जॉब, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना तो घर है ना जॉब है, हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल फॉर फूड और मनी, जो लोगों से फूड और मनी के लिए मांगता हुआ जगह जगह यात्राएं करता रहता है, ट्रैम्प यावर कहलाता है। सो दिस वॉज द लेसन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन फ्रॉम वर्क बुक, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी।